राकेश टिकैत जी हमारे साथ में है, जिन्होंने अभी संजय राउत से बातचीत की है। मुझे बात बताइए कि दोनों में बातचीत हुई, उद्धव जी का भी फोन आया था, कितनी देर बात हुई, क्या बात? वो काफी बात हुई, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की क्या पॉलिसी है, आप आओ और महाराष्ट्र आपको आना चाहिए, देखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मिलेंगे और जब आगे की बातचीत करेंगे, महाराष्ट्र की हमारी क्या क्या पॉलिसी एग्रीकल्चर की है वो आप बिल्कुल हमारे जरूर दिखाना। अच्छा, लेकिन राजनीति के बारे में कुछ बात हुई क्या? जैसे राजनीति के बारे में नहीं, नहीं हमारी कोई राजनीति कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, और वो पूर्ण रूप से ही आए थे कि जो दिल्ली में आंदोलन चला हम उस आंदोलन को सपोर्ट करा है और हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो किसानों के मन में जो गुस्सा था वो इस बार चुनाव में आपको लगता है कि उसका सपोर्ट होगा? बिल्कुल गुस्सा है, 13 महीने दिल्ली में रहे हैं और आज भी हालात ठीक नहीं है तो पूर्ण रूप से गुस्सा है भाई। उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट 175 और हरियाणा में उन्हीं की सरकार है 115, क्यों? और जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार यहाँ पर बनवा दो तो हम जो फैसिलिटी हरियाणा में वही दे देंगे। हम तो कह रहे कि जो आपकी वहाँ की सरकार में है वही दे देते भाई, 5 साल यहाँ पे हो गया, उनमें क्या दिक्कत है? शिवसेना कैंडिडेट उतार रही है तो आपका सपोर्ट नहीं? नहीं, नहीं हमारा कोई सपोर्ट ना, उस सब बारे में हमारी कोई बात। साथ साथ में लिखे है और केसरी कलर भी दोनों ने पहना। केसरी कलर तो केसरिया रंग है, मैं तो हमेशा सिर पे बांधता हूँ। केसरिया कलर किसी एक पार्टी का कलर नहीं हो सकता। केसरिया कलर स्वामी महर्षि दयानंद केसरिया कलर पहनते थे तो वे किसी पार्टी में तो थे नहीं। आपने भी केसरिया कलर पहना, आप कौन सी पार्टी में? नहीं कौन सी में हूँ आप बताओ। नहीं पार्टी हमारी तो कुछ नहीं है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। हाँ तो सवाल, आप किसान नेता है, आप किसान नेता है फिर भी सफ़रंग कलर पहना है? केसरिया कलर क्यों नहीं पहनता? मैं तो हमेशा पहनता हूँ, मेरे आज से 30 साल पहले फोटो देखोगे तो केसरिया कलर में देखोगे। मैं तो पहनता हूँ सिर्फ, हमेशा केसरिया कलर पहनता हूँ। सरकार किसकी आएगी हमें नहीं जानकारी, बीजेपी का जानकारी नहीं हमको। अखिलेश भी प्रचार कर रहे हैं? हाँ प्रचार करना चाहिए सबको। कोणासोबत कोण सरकार ही सांगता येत नाही, परंतु शेतकऱ्यांचा हा संताप जो आहे तो उफाळून येईल हे मात्र स्पष्टपणे राकेश टिकैत यांनी म्हटलेलं आहे। कॅमेरामॅन राजेश रामराज शिंदे, झी मीडिया, मुझफ्फरनगर। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24